आ गए प्रियंका जी। अमर सिंह सर, जय भीम। थैंक भीम यू। जय भीम सर, जय भीम जी, प्रियंका जी, जय भीम जी, जय भीम सभी को, जय भीम सर। मैं आपकी मीटिंग को तब तक होस्ट करना चला था। जी सर। अरे भाई, हम सबको मिलाकर तो चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइम वाला पानी ले ग्लास। म्यूट करो सबको प्रियंका जी। जी सर। अभी आप म्यूट का, ऑल म्यूट का म्यूट ऑप्शन मार दो, जैसे अनम्यूट करना कर लेगा। एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो म्यूट। जी जी सर। जी सर। जी चलिए, अमर सिंह सर का आज प्रेजेंटेशन है कास्ट पर, है जी। जय भीम भाई साहब। हाँ जय भीम सर, मेघ सिंह निवेश जी, जय भीम। प्रियंका जी, जय भीम जी, जय भीम सर। मिथिलेश जी, डॉक्टर मिथिलेश, आप जो है ये सब्जेक्ट वब्जेक्ट को जरा पढ़िएगा। आप लेक्चरार हैं और आपको तो, आपका तो ये टीचर लोगों का तो ये सब्जेक्ट होता है पढ़ाने का, तो आप अच्छा काम कर सकती हैं इसमें। हम भी आज एक टीचर आए थे आगरा में, सूर्या जी, आज उनको भी यही समझा रहे थे। मैंने कहा भाई आप टीचर हैं, आपका काम ही लोगों का पढ़ाने का है, आप हमारे सब्जेक्ट पढ़ाओ ना लोगों को। मीटिंग पीआर सर अभी ज्वाइन नहीं हुए, स्टार्ट कर दे कि वेट कर। हाँ मीटिंग चालू करिए ना, अमर सिंह सर आ गए ना, आप करिए साहब की चिंता मत करिए, साहब आ जाएंगे, मैं बैठा हूँ, परेशान मत, कोई दिक्कत नहीं। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम द्वारा हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, आज हमारा सब्जेक्ट है वो क्रिएटेड द कास्ट, और साथ ही आज राजमाता जीजाऊ जी की जन्म जयंती है, तो इस विशेष दिन पर हम माता जीजाऊ को आदरांजलि समर्पित करते हैं और उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। हमारे आज के सब्जेक्ट के ऊपर धीमंत अंबर सिंह चौहान जी हमें वक्तव्य देंगे, और साथ ही माता जीजाऊ जी के ऊपर भी हमें उनका आदरांजलि देंगे। धीमंत अंबर सिंह चौहान जी पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में ट्रेनिंग ऑपरेशन में इंचार्ज है, साथ ही पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी है, और जो जाति है उसमें भी उनका कार्य करने का बहुत बड़ा अनुभव है। तो धीमंत अंबर सिंह चौहान जी का मैं स्वागत करती हूँ सर, आप आपके सब्जेक्ट के ऊपर हमें वक्तव्य दे। वेलकम। बाकी सभी लोग अपने को म्यूट रखेंगे, सभी लोग म्यूट रखें। निमेश जी म्यूट कर लीजिए जी। यस यस। सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के सभी सहकारियों को मैं अंबर सिंह चौहान का क्रांतिकारी अभिवादन। देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सहकारियों का इस ऑनलाइन मीटिंग में मैं स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी। सहकारियों, आपका अभिनंदन और स्वागत करना ये तो अपने एक संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम के लिए हम आज यह मीटिंग ले रहे हैं। पुराना है ये, तुम्हारे वाला ये पुराना है ये। और जो विषय की हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को आप सभी सहकारी गंभीरता से सुने और सुनकर इस पर क्रिया करे, कृति करे, ऐसी अपेक्षाओं के साथ मैं मेरा आज का वक्तव्य शुरू करता हूं। मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले एक तथागत ने जो कहा है, नो ट्रूथ एज ए ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज ए ट्रूथ अनट्रूथ। तथागत का
यह एक बहुत बड़ा वाक्य है कि जो पूरे केवल भारत को नहीं तो पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला, झंझोर देने वाला, एक विचार करने की शक्ति प्रदान करने वाला यह कोटेशन। सहकारियों, आज जिस विषय पर मुझे मेरा वक्तव्य रखना है, उस वक्तव्य से पहले सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए हमारे जिन पुरखों ने क्या किया, हमारे जिन पुरखों ने, नायकों ने, नायिकाओं ने बलिदान दिया है, क्या करना, उन्हीं में से उधर से आए तो सही, वीर माता, राष्ट्र माता जिजाऊ का आज जन्मदिन है। ऐसे तो जो महानायकों के साथ हमारी कई माता है, माता जिजाऊ, माता सावित्री, माता अहिल्या, माता रमई, माता भीमाई, माता शामकियाड़ी, माता गुजरी, ऐसे अनेक वीर माताओं ने सुपुत्रों को जन्म देकर इस देश की भूमि को संपन्न किया है। ऐसे ही माता मां जिजाऊ, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को जन्म देकर एक नया उजाला इस देश में दिया है, ऐसे हमारी माता जिजाऊ का जन्म, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग तो जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को ये जानना जरूरी है, इसलिए कुछ बातें उनके बारे में भी एक मिनट में मैं कहना चाहूंगा। माता जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज की जननी, उनका जन्म महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ में 12 जनवरी 1598 में, यानी लगभग 423 साल पहले हुआ। माता जिजाऊ के पिताजी का नाम लखूजी जादव था, राजे लखूजी जादव, और उनके माता जी का नाम मसलाबाई। यह जो जाधव है, आपने सुना होगा, एक देवगिरी किले का नाम सुना होगा, तो देवगिरी के जो वंशज थे यादव, उस घराने से इनका संबंध था। ऐसे हमारे महान जिजाऊ ने 1605 में शाहजी राजे के साथ दौलताबाद किले में, जिस दौलताबाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर आपको ये भी जानकारी है, इस किले का महत्व भी आप जानते हैं, वहां पर उनका विवाह शाहजी राजे के साथ संपन्न हुआ। 19 फरवरी 1630 को महा राजा छत्रपति, जिसे महाराष्ट्र के लोग रैयत का राजा कहते हैं, शिवनेरी किले पर उनका जन्म हुआ। जी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसी बात में माता जिजाऊ का योगदान क्या था, ये छत्रपति शिवाजी की जो कारकिर्द है उसे आपको पता चले। सहकारियों, 1635 में राजमाता जिजाऊ पुना के लाल महल में रहने लगी थी। आपको मालूम है पुना पेशवे का गढ़ था। इसके पहले इस पुना की जो सूबेदारी थी वह सत्ता थी अदिल शाह का, वहां एक सरदार रहता था, उसका नाम था अदिल शाह का जो सरदार था उसका नाम था मुरार जगदेव कुलकर्णी। पुना के आजू बाजू में जो बहुत बड़ी खेती पड़ी थी, जमीन पड़ी थी, उस जमीन पर इस मुरार जगदेव कुलकर्णी ने जो जमीन ऐसे ही बंजर कर दी, जो जमीन कसने लायक थी, खेती करने लायक थी, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उस जमीन में जगह जगह, जिसे आप लोखंड की सलिया कहते हैं, हमारे महाराष्ट्र में पहाड़ कहते हैं कि लोखंड की जो बड़ी सलिया होती है उससे कुछ खुदाई का काम करते हैं, उसे पहाड़ कहा जाता है, वह जगह जगह लगा दी।
उसके ऊपर चप्पल जो है टूटे पुराने चप्पल बांध दिए और ये कह दिया कि ये पूरी की पूरी जमीन शाप पूरी जमीन शापित है। इस जमीन को जो कोई करेगा कसेगा उसका वंश उसकी वंशवेल खत्म हो जाएगी, उसकी वंशवेल खत्म हो जाएगी। राजमाता जी जब पुणे में रहती थी शिवबा 5 साल का था, यानी 1635 की मैं घटना कह रहा हूं। माँ जीजाऊ ने सोचा इतनी बड़ी जमीन हमारे रैयत की जो जनता है उसमें लोहार है, माली है, साली है, कुंभी है, उनके पास खेती नहीं है, वो भूखे मर रहे हैं। माता जीजाऊ निकली, क्या किया माता जीजाऊ ने, 5 साल के शिवबा के साथ साथ रायनाक यह एक दलित का लड़का लिया, रामोसी का लड़का लिया, मातंग के लड़के को साथ में लिया, लोहार के लड़के को साथ में लिया और इन 5 बच्चों के साथ अपना जो जमीन को नांगरने का जो नांगर होता है उसे सोने का फाल लगाया। देखिए सोने का फाल लगाकर उस जमीन को नांगरने के लिए उसे जमीन का जैसे हम कहते जो बंजर बंजर जमीन पड़ी थी उसे नांगर ले के लिए माता जीजाऊ शिवबा के साथ और जो 5 बालक है उनके साथ जाती है। ये जो सारे भटजी है ये इनके पेट में थैथियाट होता है। एक रामेश्वर भट्ट नाम का बाहुबली का एक भट्ट रामेश्वर भट्ट का शिष्य था पुरुषोत्तम भट्ट, वो थैथियाट करने लगा, वो कहने लगा माँ जीजाऊ आप क्या कर रही है, आपकी आप अगर ऐसा करती है ये जमीन शापित है, आपकी वंशवेल खत्म हो जाएगी। माता जीजाऊ ने क्या जवाब दिया आप सुनिए, अगर इस महाराष्ट्र की जनता के लिए अगर हमारे ये सुनार हमारे ये जो सुनार है लोहार है रामोशी है दलित है इनके जमीन कसने के लिए और इनका उदर भरण होने के लिए अगर ये जमीन काम में आती है और उन्हें ये खेती कसने के लिए मिलती है तो मेरी वंश वेल भी मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं। और माता जीजाऊ ने इन 5 बच्चों के साथ शिवबा के साथ वो पूरी जमीन नांगर डाली और वो जो जमीन थी खेती करने लायक बनाई। इस तरह से जो धार्मिक दहशतवाद था उस दहशतवाद का कड़ा मुकाबला माँ जीजाऊ ने किया। इससे आप सोचिए कि हमारी जो माताएं हैं, जैसे हमने कल परसों ही सावित्री माता के बारे में कहा तो हमारी माताओं ने उस काल में भी इस पाखंड से किस तरह संघर्ष किया। इसी तरह और एक छोटा सा उदाहरण है माँ जीजाऊ ने इन छोटे छोटे शुभा के साथ उसके जो मामले हम कहते थे अलग अलग 18 पगड़ जाति के उसी को लेकर शुभा को लेकर स्वराज्य की स्थापना की एक प्रार्थना की उन्हें शपथ दिलवाई। और खास बात कर आपको एक बात कहता हूं, एक कहावत है शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ होती है, शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ होती है। इसी तरह आदिल शाह को अपने लोगों के जरिए एक मैसेज दिया कि आपका जो किला है तोरना का, तोरना किले का जो पहरेदार है वो भाग गया, इस तरह का मैसेज आदिल शाह को दिया। और नतीजा ये हुआ कि बिना कुछ लड़ाई किए तोरना किला पहली बार स्वराज्य के लिए शिवबा ने अपने ताबे में ले लिया, अपने में हिस्से लिया। और जब उस तोरना की खुदाई की गई मतलब डाक बुझी की गई खुदाई की गई तो वहां पर जमीन के नीचे बहुत सारी
सोने की देव देवताओं की मूर्तियां मिली, सोने की देव देवताओं की मूर्तियां मिली। माँ रमाई ने कहा, माँ जिजाऊ ने कहा, यह जो सारी की सारी सोने की मूर्तियां है, जिसे हम कहते हैं इसको सोने को मतलब पिघलाने का काम किया और सरकारी खजीने में डालकर जो जिंदे लोग हैं, जो मानव हैं, जो इंसान हैं, उनके काम के लिए इस सोने का उपयोग करो। इसी तरह वो खेत में जो लोखंड की सलिया पहाड़ी थी, उस पहाड़ी की लड़ाई के लिए तलवारें बनाई गई। ऐसे माँ जिजाऊ का आज 423वां जन्मदिन है। ऐसे महान माँ जिजाऊ को पे बैक टू सोसाइटी की ओर से, महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग की ओर से हम अभिवादन करते हैं। और हमारा जो आगे का पड़ाव है उसके ओर चलते हैं सहकारी, क्योंकि अपना एक ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का हिस्सा है कि हमारे सभी महापुरुषों को और हमारी माताओं को हम याद करें। सहकारियों, आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे लोग कहते हैं आजादी को 74 साल हो गए हैं, आज कहां जाति बची है, जाति तो लुप्त हो गई, क्या जरूरत है, देश संविधान पर चलता है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन उन सभी को हमें याद दिलाना होगा क्या सचमुच जाति खत्म हो गई है, सचमुच जाति खत्म हो गई है, नहीं नहीं उसका रूप बदल गया है। वो डरते हैं, वो जाति के ऊपर बात करने के लिए डरते हैं, उन्हें डर लगता है जाति के ऊपर बात करने के लिए कि कहीं हमारी सच्चाई ना खुल जाए, कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। क्योंकि अगर जाति खत्म हो जाती तो 2300 साल में पहले जो बदलाव हुआ था, 2300 साल पहले जो बदलाव हुआ था, वो बदलाव आज क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अगर वो बदलाव आज होता तो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है, उसमें भूखमरी, गरीबी, बीमारी के बारे में हमारी देश की क्या स्थिति है, यह देश के सभी जानकार और बुद्धिजीवी वर्ग को मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमें जाति के ऊपर चर्चा करने की आज भी आवश्यकता है और इसीलिए हम जाति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसका रूप बदला है, परिणाम वैसे ही है। एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने और कुछ कोटेशन लिखे हैं। क्या है वो कोटेशन? कि जो विवेक नहीं करता वो धर्मांध होता है, जो विवेक नहीं कर सकता वो मूर्ख होता है, जो विवेक करने का साहस नहीं करता वो गुलाम होता है। यह एच डूमंड का कोटेशन है, लेकिन बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट के पहले पन्ने पर लिखा है। जैसे तथागत का कोटेशन लिखा है, ये कहने की जरूरत इसलिए है कि हमारा जो विषय है इन बातों से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में असंशोधित अंबेडकरवाद को संशोधित करने के लिए आज तक हमने पढ़ाई तो की है, आज तक हम अंबेडकरवाद के ऊपर चर्चा तो करते आए हैं, लेकिन ऐसी जो कुछ बातें हैं जो हमारे सामने नहीं आई है या आई भी है तो जिस रूप में आनी चाहिए, जिस स्थिति में आनी चाहिए,
असली अर्थ समझना चाहिए, वो अर्थ ना समझने के कारण कुछ बातें आज भी गुलदस्ते में है। सहकारियों में आगे की कुछ बात करने से पहले आपको कुछ बातें याद दिला दूं। Who created the caste? इस विषय को अगर आपको हमें गहराई से समझना है, जानना है, तो 9 मई 1916 का बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो चर्चा रखी थी कास्ट इन इंडिया पर, उसे आपको समझना होगा। इसी के साथ साथ 25 दिसंबर 1927 में महाड़ में मनुस्मृति का जो दहन बाबा साहब ने किया, उस घटना को और एनिलेशन ऑफ कास्ट जो 1936 में बाबा साहब ने लिखा, इन तीनों को आपको लिंक करना होगा, समझना होगा। उसी के साथ साथ इस कास्ट की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी और साइकोलॉजी को भी समझना होगा, क्योंकि कास्ट के साथ ये जुड़ी है, क्योंकि कास्ट के साथ जुड़ी है। एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कहा है कि भारत के इतिहास में केवल एक ही ऐसा काल है जिसे स्वतंत्रता और महानता का गौरवपूर्ण युग कहा गया जाता है, वह युग है मौर्य साम्राज्य का, क्योंकि वह काल अगर हम छोड़ दे तो सभी युगों में, कालों में भारत पराभव और पारतंत्र में रहा है, अंधकार में रहा है। मौर्य साम्राज्य के काल में इस देश ने प्रगति की है, सोने की चिड़िया वाला भारत बना है, विश्वगुरु भारत बना है, क्योंकि इसी काल में चातुर्वर्ण्य पूर्णतया नष्ट कर दिया गया था, और वो लोग जो लोग जिसे हम आज शूद्र कहते हैं, वह उस काल में सत्ताधारी थे, शासक थे, शासन में थे, प्रशासन में थे, व्यापार में थे, हर क्षेत्र में भागीदार। अगर 2300 साल पहले ये सब लोग भागीदार थे तो आज क्यों नहीं है? आज भी हमें घोड़ी से क्यों उतार दिया जाता है? आज भी हमारे माँ बहनों पर बलात्कार क्यों होता है? आज भी हम दर दर के ठोकरे क्यों खा रहे? ये अगर समझना है तो कास्ट इन इंडिया का, हु क्रिएटेड द कास्ट, यह समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं, जैसे हमारे कल भी धीमंत राजा राम आनंद जी ने कहा कि आप किसी में दिशा में चले जाओ, जाति आपके आड़े आए। सहकारियों, क्या है कास्ट इंडिया में, कैसे क्या दिया, क्या लिखा है बाबा साहब? आदिकालीन बनाम आधुनिक समाज, इस विषय पर कोलंबिया विद्यापीठ में जब एक चर्चा सत्र हुआ, तो उस चर्चा सत्र में बाबा साहब ने जाति प्रथा, जो भारत की जाति प्रथा है, उसकी संरचना, उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन अध्याय लिखकर अपनी बातें रखी। इन बातों को समझना जरूरी है। मैं बहुत सारी पीछे की हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत में जो ये जाति प्रथा है, कोई आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। जाति की समस्या एक सैद्धांतिक और व्यवहार रूपरेख में बहुत ही बड़ी इस देश की समस्या है, और इसी जाति के समस्या के कारण हमारे देश में जो अनेक अनेक समस्या है, वो आज भी जस की तस्की। जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है, तब तक हिंदुओं में और अंतर जातीय विवाह और बाह्य लोगों से शायद ही समागम हो सके। देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं। इतना ही नहीं, आगे जाकर कहते हैं, अगर इस देश का ये जाति वाला हिंदू समाज अगर देश के किसी भी कोने में चला जाता है, विश्व के किसी भी हिस्से में चला जाता है, तो जाति जो भारत की समस्या है, वो विश्व की समस्या बनने में देर नहीं लगेगी। साधारण सी बात नहीं है, उसके नतीजे आप देख रहे हो, अमेरिका वगैरह देशों में क्या हो रहा है, इसके कई उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। वैसे तो इस देश में जो भारतीय समाज है,
वो आर्य द्रविड़ो मंगोलियो और शकों के सम्मिश्रण से ये बना है, यानी इन लोगों का हमारे देश में जो आगमन हुआ है और यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति के साथ जिस तरह से वो मिल गए और यहाँ एक रूप होकर जो आगे की पीढ़ियां बनी है उससे एक सम्मिश्रण बना है। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ यह सबसे बड़ी समझने की बात है, क्योंकि यह बात इतने से नहीं होती है, क्योंकि ये देश की जो संस्कृति है ये इतनी भिन्न है, जैसे मैंने कहा ज्योग्राफी हिस्ट्री यह अलग अलग है, और इतना होने के बाद भी इस देश के जो ज्योग्राफिकल जिसे हम ये कहेंगे कि एक सांस्कृतिक जो तालमेल है वो भी आज ताना बाना एक अलग तरह से बनाया बुना गया है जो कि विश्व के अलग देशों में नहीं है। इसलिए विश्व के कई मनोवैज्ञानिकों ने कई लोगों ने जाति की परिभाषा पर अपना वक्तित्व लिखा है, अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन करने का काम किया है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको डिफाइन किया है बाबा साहब ने उन सभी को नकारा है लगभग, क्योंकि ये जो लोग हैं विदेश में रहने वाले वो शायद भारत की स्थिति को सही तरह से समझ नहीं पाए। उसमें बाबा साहब ने फ्रांसिस का उदाहरण दिया है, मतलब फ्रांसीसी जो विद्वान है सेनार उनका सिद्धांत का जिक्र किया है, नेसफील्ड का किया है, रिजली का किया है, और उसके साथ साथ डॉक्टर केतकर के जो सिद्धांत लिखा है उस पर भी बाबा साहब ने भाष्य किया है। वैसे तो ये जो जाति है इस जाति में अगर केवल भारत की बात नहीं पूरे विश्व की भी अगर बात करी जाए तो ये जो एक पुरोहित नाम का जो वर्ग है वो अपने आप को बड़ा पवित्र समझता है। पुरोहित नाम का जो वर्ग है वो अपने आप को बड़ा पवित्र समझता है। ये केवल भारत में नहीं है पूरे विश्व में भी है, लेकिन भारत में वो केवल अपने आप को पवित्र नहीं आगे जाके और क्या क्या करते हैं यह बातें हमें भारत के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। और उसमें की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो सजातीय विवाह है, सजातीय विवाह और उसमें भी बहिर्गोत्र, उसमें भी बहिर्गोत्र, लेकिन ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, तब भी नहीं था आज भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जाति में भी और भी जातियां, जाति में भी और भी जातियां है। भारत में जाति प्रथा का अर्थ समाज को कृत्रिम हिस्से में विभाजित करना है। भारत में जाति प्रथा का अर्थ समाज को कृत्रिम हिस्से में विभाजित करना है, जो रीति रिवाज शादी व्यवहार की भिन्नताओं से बंधे हुए हैं। परिणाम स्पष्ट है कि सजातीय विवाह एकमात्र लक्षण है जो जाति प्रथा की विशेषता है, जो जाति प्रथा की विशेषता है। लेकिन जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका ताना बाना कैसे बना यह बात भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इस धरती पर अनेक देश है लेकिन भारत की स्थिति उनसे बहुत ही अलग है, क्योंकि आज देश जिस तरह से प्रगति से आगे चल रहा है तो कई देशों में वो जो आदिम मान्यताएं थी वो आदिम मान्यताएं निकल चुकी है, लेकिन हमारा देश आज भी आदिम मान्यताओं से लिपटा हुआ। हमारे देश का धर्म ही आदिम है और इसके आदिम संकेत इस आधुनिक काल में भी पुरजोर से हावी है, आधुनिक काल में भी पुरजोर से भी हावी है।
आदिम युग में बहिर्गोत्र विवाह का प्रचलन सर्वाधिक था, लेकिन भारत में आज भी बहिर्गोत्र विवाह प्रथा ही प्रचलित है। भारतीय समाज में आज कबीला प्रथा लगभग खत्म हो गई है। प्रथा आज कबीला की प्रथा है, लेकिन जो कबीले थे वो कबीले आज उस हालत में नहीं है, लेकिन उस काल की प्रथाएं, देखिए क्या कर प्रथाएं कह रहा हूं मैं, रिवाज कह रहा हूं, रूढ़िया कह रहा हूं, परंपराएं कह रहा हूं, वो आज भी है। इसीलिए विवाह पद्धति का जो प्रमाण है बहिर्गोत्र प्रथा पर आधारित, वो आज भी भारत में जस का तस। भारत में विभिन्न गोत्र है, बहिर्गोत्र विवाह इस तरह से संबंधित है, आप सभी इसके जानकार है, क्योंकि आप शादी ब्याह किस तरह से हमारे भारतीय समाज में होते हैं यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इस गोत्र और अंतर गोत्र पर ज्यादा प्रकाश डालने के बजाय जो आगे की हमारे देश की जाति की जो संरचना है उसको किस तरह से बरकरार रखा गया, इसके ऊपर हम अधिक ध्यान देंगे। अगर ये बरकरार रखना है तो उस जाति में स्त्री और पुरुष की जो संख्या है उसकी समानता है उसको बरकरार रखने के लिए भी यहाँ की जाति व्यवस्था ने पुरजोर कोशिश की है, और उसी के जो परिणाम है जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा, और उस काल में क्या क्या होता था, ये सारी चीजें आप जानकार है अधिक, क्योंकि समय का उसको अगर मैं ज्यादा तरह से करूंगा तो समय भी उसमें बहुत सारा चला जाएगा। तो जो जो जाति प्रथा थी वो बरकरार रखने के लिए जिन प्रथाओं का अवलंब किया गया, ये प्रथाएं उन लोगों में ज्यादा थी जिन्होंने जाति बनाई, उनसे जो निकट रहते थे उनमें ये प्रथाएं ज्यादा थी, जिन्होंने जाति बनाई थी उनसे जो लोग दूरी पर रहते थे उनमें प्रथाएं कम थी, लेकिन बाल विवाह की प्रथा, बाल विवाह की प्रथा लगभग सभी जातियों में थी। हमने कल परसों ही 3 तारीख को देखा माता सावित्री जी का भी बहुत छोटे उम्र में, बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। आज भी राजस्थान जैसे प्रदेशों में बाल विवाह की प्रथा बहुत धड़ल्ले से चालू है। भवरी देवी का उदाहरण आप सभी के सामने है कि भवरी देवी को इसी बाल विवाह की प्रथा के कारण इस दुनिया से जाना पड़ा, गुजरना पड़ा, ऐसी ऐसी, यानी ये जो समाज है ये कितना इस जाति प्रथा ने कितनी दुष्टता, दुष्ट परिणाम किए है, इसका उदाहरण है भंवरी देवी खास करके। ऐसे कई उदाहरण है मैंने जानबूझकर आपके सामने, क्योंकि बाल विवाह के उदाहरण आया इसीलिए मैंने उनका नाम लिया है। तो ये भारत में जो जाति व्यवस्था है कोई आजकल की नहीं है, बहुत ही पुरानी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को बरकरार बड़े षड्यंत्र के तहत रखा गया है, और वो इतना रखा गया है बाल विवाह व्यवस्था का भी उस काल में भी समर्थन करने वाले लोग थे, क्योंकि क्या कि उम्र में लड़की आने के पहले बाद अगर उसका किसी अन्य जाति के पुरुष से संबंध ना आए, इसीलिए उसको वो जिसे हम कहते हैं कि वो समझदार होने से पहले, उसको महावारी आने से पहले ही उसकी शादी हो जाए, इतनी खबरदारी इस समाज में ली जाती थी। और इसीलिए सजातीय विवाह और उसके लिए खास करके महिलाओं को जिस तरह से शोषण हुआ है हमारे देश में, वो बहुत ही बुरी तरह से शोषण हुआ है। लेकिन यह सब अगर हम देखते हैं तो क्या हो सकता है कि ये जो सारी प्रथाएं इन्होंने चलाई है वो प्रथाओं का जो मूल कारण है वो जातपात है। तो जातपात मूल के बारे में कोई उलझन पेश होने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये जो सजातीय विवाह का जो कारण है यह जातपात का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है।
जबकि जाति के मूल की बात जो है वो सजातीय विवाह की जो प्रथा है उसके क्रिया विधि का ये मूल है, उसके क्रिया विधि का ये मूल है। समाज देखो, कोई भी जो समाज है वो अलग अलग वर्गों से बनता है, अलग अलग वर्गों से बनता है। इस देश में वर्ण व्यवस्था पहले से चली आ रही है जिसे हम क्लास कहेंगे, लेकिन उस वक्त अपने हुनर के ऊपर, अपने कौशल के ऊपर आप एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते थे, बदल कर सकते थे। लेकिन बाद में जो ये जो बदल होता था, ये जो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की जो प्रथा थी वो बंद हो गई है, उसकी भी हम जानकारी देखेंगे। लेकिन कोई भी जो समाज है सर्वथा वर्गों से मिलकर बनता है, और हर वर्ग में जो नागरिक है वो उसका हिस्सा होता है, यानी व्यक्तिगत व्यक्ति वो क्लास का हिस्सा होता है। और वो जो क्लास, वो जो वर्ग है, वो वर्ग अपने आप में सीमित होता है, क्योंकि इस जाति की संरचना के लिए यह वर्ग को जानना और समझना भी जरूरी है, क्योंकि वर्ग और जाति एक दूसरे के दो रूप है, वर्ग और जाति एक दूसरे के दो रूप है। फर्क सिर्फ यह है कि जाति अपने को सजातीय परिघ में रखने वाला वर्ग है। जाति प्रथा के मूल का अध्ययन हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, यानी जाति प्रथा का जो मूल है वो हमें यहाँ ढूंढना है। जब तक हम उसका मूल नहीं ढूंढेंगे तो हम इस जाति प्रथा के चक्रव्यूह से भी बाहर नहीं आ सकते। इस देश में जाति प्रथा कैसे पनपी, कैसे दृढ़ होती गई, यह समझना बहुत ही जरूरी है। यह प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ एक जाति अर्थात ये जो जाति की प्रथा है वह ब्राह्मणों ने यहाँ प्रचलित की है, जो हिंदू समाज की संरचना में सर्वोच्च स्थान पर है, और गैर ब्राह्मण जातियों ने इसका अनुसरण किया है। जैसे पहले ही मैंने कहा कि ये जो पुरोहित वर्ग था, ये पुरोहित वर्ग ही अपने यहाँ था, लेकिन अन्य देशों के पुरोहित वर्ग ने जातियां पैदा नहीं की। हमारे यहाँ के जो पुरोहित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर रखा, और उन्होंने जो सर्वोच्च स्थान पर रखा और उन्होंने जो जो कृत्य किए उसका अन्य ब्राह्मण जातियों ने अनुसरण किया। इस पुरोहित वर्ग द्वारा प्राचीन काल में इस प्रथा का जो प्रथाएं थी जाति व्यवस्था की परीख की, वो कड़ाई से उस पर अमल करते थे। इतने कड़ाई से करते थे कि अगर कोई जैसे आज भी हमारे यहाँ जाति का अगर कोई प्रचलन नहीं करता तो उसको जाति से बहिष्कृत करने का डर रहता है। उस काल में तो ये बहुत सारी जातियां इतनी कड़ाई से इसका पालन हुआ कि बहुत ही कड़ाई से पालन। और यह सब देखिए महान अशोका के कार्यकाल के हनन के बाद की बातें हुई है, हम उसके बाद की बातें कर रहे हैं। उसके पहले कैसे बनी लेकिन बाद में कैसी हुई, यह सब हमें इसकी आज के इसमें जानना बहुत ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महान अशोका के कार्यकाल में जैसे कि बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि यह जो वर्ण व्यवस्था थी यह लगभग खत्म हुई थी, लेकिन महान अशोका के कार्यकाल के बाद में एक संहिता बनाई गई, और उस संहिता के जरिए इस जाति को देखो संहिता बनाई गई, और उस संहिता के द्वारा इस जाति के जिसे हम कहते कि संचलन किया गया, संचलन किया गया उस, और उस संहिता का नाम है मनुस्मृति। लेकिन बाबा साहब ये भी कहते हैं मनु ने जाति नहीं बनाई, जाति पहले से थी, लेकिन जो संहिता बनाई और उस संहिता के द्वारा जो संचलन किया, जिस तरह से किया,
वो बात हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बात अगर हम समझ जाते हैं तो असल में जाति कैसे बनाई यह बात, क्योंकि मनु में इतनी हिम्मत नहीं थी। बाबा साहब कहते हैं मनु ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया कि एक वर्ण को इतना रसाताल में पहुंचा दिया जाए, पशुवत बना दिया जाए, उसको प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण गढ़ दिया जाए। यदि वह क्रूर न होता, बाबा साहब उसको क्रूर भी कहते, क्रूर न होता जिसने सारी प्रजा को दास बना डाला, तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपना अधिपत्य जमाने के लिए इतने अन्यायपूर्ण विधान की संरचना करता। महान अशोका के कार्यकाल के बाद में हमसे जो शिक्षा संपत्ति और संरक्षण के अधिकार इसी संहिता के माध्यम से छीन लिए गए, निकाल लिए गए, हमें जो ना सोचने वाला समाज बना दिया गया, और मनु ने जो संहिता बनाई उस संहिता के जरिए एक शैतान की तरह ये सारे बातें हुई। लेकिन बाबा साहब लिखते हैं वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किंतु मैं नहीं समझता कि वह सदा जिंदा रहेगा। क्योंकि कानून के लिए इंसान नहीं है, इंसानों के लिए कानून है। ये बात जाति के बारे में सोचते वक्त आपको हमें ध्यान में रखनी है। प्रचलित जाति प्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया, जाति धर्म का प्रचार किया, जाति प्रथा का विस्तार और उसकी दूरता इतनी विराट है कि यह एक व्यक्ति या वर्ग की दूरता और बलबूते का काम नहीं हो सकता। यह एक व्यक्ति या वर्ग की दूरता और बलबूते का काम नहीं हो सकता। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे कई लोग केवल दूसरों को दोष देते हैं, हमारा अपना कोई भी उसमें हिस्सा नहीं ऐसा समझते है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मण कई और बातों के लिए दोषी हो सकते हैं, और मैं निसंकोच कहता हूं कि वे है भी परंतु गैर ब्राह्मण अन्य जन समुदायों पर जाति प्रथा थोपना उनके बूते की बाहर की बात। देखिए क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी जाति प्रथा इतने बड़े समुदाय के ऊपर, लोगों के ऊपर विभिन्न स्थितियों में थोपना उनके बूते की बाहर की बात थी। पुरातन पंथी हिंदुओं के मन में यह दृढ़ धारणा है कि हिंदू समाज किसी तरह जाति प्रथा की प्रणाली में ढल गया है और यह संस्था शास्त्रों ने बनाई है। यह विश्वास केवल विद्यमान ही नहीं है बल्कि उसे इस आधार पर न्याय संगत भी ठहराया जाता है। यह स्थिति है क्योंकि यह शास्त्रों से जन्मी है और शास्त्र गलत नहीं हो सकते। यहाँ पर असली बातें हैं। यह जो जाति के साथ जो पवित्रता विश्वास इस तरह का जो पाखंड रास्ता का रचा गया है, पाप पुण्य के साथ उसको जोड़ दिया गया है, शास्त्रों को आधार बनाकर बिना सोच विचार करने वाले समाज पर वो लाद दी गई है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति क्यों जलाई, यह अगर समझना है तो आपको इसका कारण इसके पीछे जो संहिता मनु ने बनाई थी, जिस संहिता के वजह से इस जाति को संचालित किया गया था, उसी संहिता को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था और उस संहिता से हमें मुक्ति दिलाई थी। लेकिन यह जो जाति प्रथा है, क्या कह रहा हूं मैं, जाति प्रथा है, यह केवल उपदोषों से जाने वाली नहीं है। यह बात आपको हमें भी बहुत ही ध्यान में रखना है, केवल उपदोषों से जाने वाली नहीं, इसके पीछे कुछ कारण है कि अन्य समाजों के समान भारतीय समाज भी चार वर्णों में विभाजित था। यह है ब्राह्मण जो पुरोहित वर्ग, जैसे मैंने पहले ही कहा, क्षत्रिय
वैश्य और शूद्र और शिल्पकार वर्ग यानी श्रमिक वर्ग। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आरंभे यह अनिवार्य रूप से वर्ग विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति दक्षता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था, इसलिए वर्णों को व्यक्तियों के कार्य में परिवर्तनशीलता स्वीकार्यता थी। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि इसके पहले जो वर्ण थे उसमें हम अपने कार्य के ऊपर अपने मेरिट से उसको अंतर परिवर्तनीय थे, लेकिन हिंदू इतिहास में किसी समय पुरोहित वर्ग ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया और स्वयं को सीमित प्रथा से जातियों का सूत्रपात बना दिया। आपके एक और खास करके और उस तरह से अगणित अनेक तरह की शाखाएं जाति की उन्होंने इसमें से बनाई। और खास करके जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है, बाबा साहब ने अपने शब्दों में क्या लिखा है अंग्रेजी में, मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ। ये जो डिवीजन था चार तरह का, उसके ऊपर बाबा साहब लिखते हैं, द सब डिवीजन ऑफ सोसाइटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है सहकारियों ये वाक्य, दिस सब डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज क्वाइट नेचुरल, बट द अननेचुरल थिंग अबाउट दिस सब डिवीजन इज दैट दे हैव लॉस्ट द ओपन डोर कैरेक्टर। व्हाट बाबा साहब राइटिंग, दैट दे हैव लॉस्ट द ओपन डोर कैरेक्टर ऑफ द क्लास सिस्टम एंड हैव बिकेम सेल्फ इनक्लोज्ड यूनिट्स कॉल्ड कास्ट। The question is, where they compelled to close their doors and become endogamous, or did they close them of their own accord? I submit that there is a double line of answer, and very important sentence. Baba Sahib says, someone closed the doors, other found it closed against them. The one is physiological interpretation and the other is mechanistic, but they are complementary and both are necessary to explain phenomena of a caste system formation and its एंटायरिटी। देखिए बाबा साहब ने उनके शब्दों में लिखा है, उसका हिंदी में जब हम समझेंगे तो बाबा साहब कहते हैं, समाज का यह जो वर्गीकरण है यह स्वाभाविक है, किंतु उपरोक्त विभाजन में अप्राकृतिक तत्व यह है कि इसमें वर्णों में परिवर्तनशीलता का जो मार्ग है वह अवरुद्ध हो गया है और वह संकुचित बनते चले गए। जिन्होंने जातियों का रूप ले लिया, प्रश्न यह उठा है कि क्या उन्हें अपने दायरे में रहने के लिए विवश किया गया और उन्होंने सजातीय विवाह का नियम अपना लिया, या उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया। मेरा कहना है कि इसका द्विपक्षीय उत्तर है, कुछ ने द्वार बंद कर लिए और कुछ ने दूसरे के द्वार अपने लिए बंद पाए। पहला पक्ष मनोवैज्ञानिक है और दूसरा चालाकी से भरा हुआ है, परंतु ये दोनों अन्योन्याश्रित है और जातीय संरचना की संपूर्ण रीति नीति में दोनों की व्याख्या जरूरी। यहाँ पर जाति का कैसे बनी इसका जो सार है, मूल है, इस वाक्य में छुपा है कि उन्होंने अपने आप को एनक्लोज कर लिया, बंद कर लिया और बाकियों ने क्या किया, दूसरे ने द्वार अपने लिए बंद पाए। यानी देखिए सबने अपने अपने दरवाजे उनका देखा देखी बंद कर लिए और सारे कोंडवाड़े बना दिए जो आज
6,500 से भी ज्यादा जातियों में बढ़ चुके हैं, जो आज 6,500 से भी ज्यादा जातियों में बढ़ चुके हैं। इस तरह से ये जो जाति का फॉर्मेशन है यहाँ पर हुआ है। इस संदर्भ में एक वन मिनट जस्ट मैं दरवाजा लगाता हूँ, एक मिनट जरा आवाज आ रहा है। इस संदर्भ में यह प्रश्न का उत्तर खोजना है कि औद्योगिक या धार्मिक कारणों से जो वर्ग अथवा जातियों ने अपने आप को आत्म केंद्रित या सजातीय विवाह की प्रथा में क्यों बांध लिया, क्योंकि ब्राह्मणों के करने के कारण ऐसा हुआ। सजातीय विवाह या आत्म केंद्रित रहना ही हिंदू समाज का चलन था, और क्योंकि इसकी शुरुआत ब्राह्मणों ने की थी इसलिए गैर ब्राह्मण वर्गों ने अथवा जातियों ने भी बढ़ चढ़कर इसकी नकल की और वे सजातीय विवाह प्रथा को अपनाने लगे। मतलब एक खरबूजे को देखकर दूसरे खरबूजे ने भी रंग बदलना शुरू किया और जाति प्रथा का यह जो मार्ग था ये प्रशस्त किया। देखिए किस तरह से ये तैयार हुआ है, नकलबाजी। आज भी ये बात है, आज भी ये बात है, और आपको पता होगा इस नकलबाजी के बारे में गैब्रियल टॉर ने तो लिखा है कि समाज किस तरह से अनुकरण करता है। इवन दो अनुकरण का जो लॉ ऑफ इमिटेशन है, बाबा साहब ने भी इंटेलेक्चुअल क्लास के बारे में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में रखा है। पाखंडियों ने जो क्लास बनाया है उसे फेस करने के लिए, मुकाबला करने के लिए पीबीएसपीबी जो नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास बनाने जा रही है, यह उसी का ही उदाहरण है कि हमें भी अगर उन पाखंडियों ने पाखंड से हमारे समाज को इस गुलामी में ढकल दिया और हमारे लोगों ने उनका अनुकरण किया, तो उसका अनुकरण करने के बजाय सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के जरिए जो नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास बनेगा और उसके जरिए लॉ ऑफ इमिटेशन से हम इस जाति प्रथा को, जो अनिष्ट प्रथा है जिसके हम विक्टिम हैं, उससे अगर हम बाहर निकालना है तो हमें भी इस नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के जरिए, इस शिक्षक प्रशिक्षक ये जो ट्रेनिंग का मार्ग है ये इसीलिए अपना कर हमें आगे चलना है। क्योंकि उन्होंने जो प्रथाएं जाली और हमने जो अनुकरण किया, और लॉ ऑफ इमिटेशन जो है यानी बड़ों का छोटे अनुकरण करते हैं, प्रतिष्ठित का दूसरा हिस्सा करते हैं, राजा का दरबारी अनुकरण करता है और दरबारी का नीचे के लोग अनुकरण करते हैं, यह लॉ ऑफ इमिटेशन। और इस लॉ ऑफ इमिटेशन से ये जो जातियों का जो सिलसिला आगे बढ़ता गया वो साधारण सा नहीं है कि आपने हमें देखा है एक जमाने में सिनेमा में किसी हीरो ने बेल बॉटम की पैंट पहनी तो गांव गांव खेड़े खेड़े में सभी बच्चे नौजवान बेल बॉटम पहनते थे, मालूम है आपको, समझा नहीं। लॉ ऑफ इमिटेशन ये है, जबकि वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, किसी ने किसी का मुंह भी नहीं देखा। तो और इन्होंने तो यहाँ लॉ ऑफ इमिटेशन के साथ साथ एक विश्वास, एक श्रद्धा का, एक भगवान ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, ऐसा विश्वास डालकर ये जाति प्रथा हम पर थोप दी कि जिसमें बाप भी कुछ नहीं कर सकता और बेटा भी कुछ नहीं कर सकता था, ऐसे इस जाति प्रथा को हम पर थोप कर उन्होंने इस देश में जो हवा प्रदूषित की है, जो समाज रचना प्रदूषित की है, कि वो इतनी कि एक जो सीढ़ी बना दी गई है और उस सीढ़ी में के दरवाजे में उस कोंडवाड़े में सबको बंद कर दिया है, वो इतना बंद कर दिया है कि आज तक हम उससे बाहर नहीं आए। लेकिन साथियों जिस दिन आप ये सोचना लगोगे, क्योंकि कास्ट इज अ डेंजरस वायरस, थिंकिंग स्किल इज अ
पोटेंशियल वायरस, तो ये जो पोटेंशियल वायरस है इसका जिस दिन आप उपयोग करना शुरू कर दोगे तो यह जाति के इससे आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन आज आजादी के संविधान होने के बाद भी आपको यह समझना है लव जिहाद जैसे कानून आज भी बनाए जा रहे हैं और समाज को देखिए कितना पाखंड फैलाया जा रहा है, जातियों से बहिष्कृत करने की, जो इन जातियों को तोड़ने की कोशिश करता है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो बहिष्कृत का डर होता है वो डर बहुत ही बड़ा खतरनाक है। हमारे सभी देश में ये है, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में तो इसके बारे में बहुत ही ये कहा जाना चाहिए कि किस तरह से ये लव जिहाद जैसा कानून सरकारें बनाने लग गई है। यानी देखिए आज संविधान होते हुए भी इस प्रकार का काम हो रहा है, जब संविधान नहीं होगा तब कितना डर और भय होगा। यानी जाति का जो संचलन किया गया मनुस्मृति के जरिए वो कितना भयावह होगा, और सैक्रेड और डिवाइननेस के जरिए यह आगे बढ़ाया गया। तो सहकारियों इसी तरह से ये जो जाति है ये निर्माण हुई है, इस जाति के जंगल से आपको हमें अगर बाहर निकलना है तो इस एंटीवायरस को, एक स्क्रिपल डिसीज को मारने के लिए थिंकिंग स्किल, कोऑपरेशन एंड एजुकेशन जो आगे आपके इसमें आएंगे। तो मेरा वक्त बहुत सारा हो चुका है, मुझे लगता है कि मुझे मेरे वाणी को यहाँ विराम देना चाहिए, लेकिन जाते जाते मैं इतना कहूंगा कि समझाने वाले को समझना होगा, समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। महान अशोका का राज आएगा, भय मुक्त समाज बनाएगा। और तो और एक बात मुझे और कहना है, असंशोधित अम्बेडकर वाद को आपको संशोधित करना है, आपको उसको यौवन पूर्ण बनाना है, उसको यूमनाइज करना है, उसको रिविटालाइज करना है, उसको रिनोवेट करना है, उसको रिजिनोवेट करना है। यही कहकर मैं मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय भीम एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू एडवोकेट प्रियंका। थैंक यू सर। हमारे जो भी सहकारी आज के इस टॉपिक के ऊपर अपना क्वेश्चन रखना चाहते हो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने आप से अनम्यूट कर सकते हैं। इंजीनियर परविंद्र कुमार जी सर, आप अपना अपना क्वेश्चन रखिए। हेलो जी सर। हाँ, मेरा एक सवाल ये था कि अभी चौहान साहब ने अपने उसमें वक्तव्य में कहा है कि बाल विवाह और सती प्रथा ये जातिवाद से या जाति प्रथा से लिंक हैं, तो इस बात को मैं नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि बाल विवाह सती प्रथा ये सभी तो सभी जातियों में होती थी, ऐसा कोई नहीं था कि पर्टिकुलर किसी लोअर कास्ट को या किसी बहुजन या नीची जाति के लोगों के साथ रहा हो। दूसरी बात, दूसरा सवाल यह है कि अंतरजातीय विवाह की बात हो रही थी, तो क्या आप समझते हैं कि अंतरजातीय विवाह होने से जातिवाद कम होगा? क्योंकि इसका मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके हमारे घरों में अगर बच्चे आज अंतरजातीय विवाह करते हैं तो हम अगर दिल से और ईमानदारी से सोचें कि कितने लोग ऐसे हैं जो उसको दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या हमारे अंदर, हम इस बात को बार बार कह रहे हैं, तो क्या हम लोग इस चीज से एग्री हो गए आंतरिक रूप से कि ठीक है अंतरजातीय विवाह होने चाहिए? तो कृपया इस पे थोड़ा मार्गदर्शन दें चौहान साहब। यस करेक्ट, बिल्कुल, थैंक यू सर, वेरी नाइस। सहकारियों, अंतरजातीय विवाह है कास्ट के बाहर आने का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन सोल्यूशन कतई नहीं है, ये आपको मैं बात रखू। अंतरजातीय विवाह ये कास्ट से बाहर आने का कतई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कास्ट ये एक मानसिक अवस्था है,
अगर दो विभिन्न जाति के लोग भी शादी कर ले, भले ही वो अंतर जातीय शादी कर ले, लेकिन उन दोनों के दिमाग में से अगर कास्ट बाहर नहीं जाती है अपनी अपनी, तो भी कुछ नहीं हो सकता है। सवाल यहाँ पर यह है, कास्ट को एनिहिलेट यानी जो जाति का नाम नहीं, जो हमारी रूढ़ी परंपरा है, वो जो मानसिकता है उसके बारे में, उस मानसिकता से हमें बाहर आना है, उस मानसिकता से बाहर आने का है। सती प्रथा और बाल विवाह ये उदाहरण इसके लिए है कि बड़े होकर ये कहीं अन्य इसमें ना चले जाए, यानी हमारे जो जाति है वो जाति के समूह के बाहर ना चले जाए। वो जो प्यूरिटी का जो डर है, लोगों को भय है, उस भय का भी इसके साथ उदाहरण है। इसको बिल्कुल छोटे इसमें ना देखा जाए, इसके बड़ी बड़ी परिघ में देखा जाए, क्योंकि अन्य देशों में जातियां क्यों नहीं पैदा हुई, हमारे देशों में क्यों हुई, यह बात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी यह कहा है कि इंटर कास्ट मैरिजेस, जैसे आपने सवाल पूछा, बाबा साहब ने भी यही सवाल पूछा था, बाबा साहब ने भी यही सवाल पूछा था जात पात गोलोक मंडल को, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर ये इंडिविजुअल किसी का हो भी गया तो भी उसकी जो मानसिक अवस्था है, क्योंकि कास्ट इज अ नोशन, कास्ट इज अ नोशन, ये कोई फिजिकल बैरियर नहीं, लेकिन ये नोशन के जरिए बैरियर बनाए गए हैं जो दिखते तो नहीं है। इसीलिए अन्य देशों से भारत की जो स्थिति है और अन्य देशों के विद्वानों ने जाति पर जो भाष्य किया, बाबा साहब ने उसका पुरजोर जो उत्तर दिया है वो कास्ट इन इंडिया में इसी माध्यम से दिया है। थैंक यू, थैंक यू। यस, आगे कोई अगर पूछना आता है तो जरूर पूछिएगा प्लीज। आप अपने आप से अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई भी सहकारी क्वेश्चन रखना चाहते हो। जयंती वाणिया जी, सर आपने हैंड रेस किया था, आपका क्वेश्चन है कोई? और कोई सहकारी अगर अपना क्वेश्चन रखना चाहते हैं, जी भगवान जी मकवाना सर, आप अपना क्वेश्चन रखें। सर, हम पहले भी हमारे जमाने में तो हमारी कास्ट में तो सती प्रथा नहीं थी और विधवा विवाह भी था, और आपने जीजाबाग की बात की कि वहां दलितों को कोई छूटछाट थी उसके राज्य में। हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बातें। हाँ सर, तो हमें तो पता नहीं कि वो शिवाजी के राज में हमें एक हमारे अछूत समाज को कोई छूटछाट थी, या कोई लश्कर में या कोई पद पे हमें नियुक्त किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर आप शिवाजी का ये पढ़ोगे, शिवाजी को रैत का राजा कहा जाता है। गोविंद पानसरे ने किताब लिखी है, गोविंद पानसरे ने किताब लिखा है शिवाजी कौन होता। यह किताब अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी। और शिवाजी का जो सैन्य था, मतलब आपको कहने के लिए कोई ये नहीं है, भले ही उस वक्त जाति प्रथा का बहुत बड़ा ये था, वो कोई शिवाजी का राज्य महान अशोका के राज्य इतना बड़ा नहीं था कि, जबकि आपको एक उदाहरण ये भी देखने को मिलेगा कि शिवाजी का राज्य अभिषेक करने के लिए भी, जैसे शाहू महाराज के लिए इन पुरोहितों ने अड़ंगा डाला था, इसी तरह शिवाजी का राज्य अभिषेक करने के लिए भी वाराणसी के गागा भट्ट, वो सारा इतिहास आप शायद पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं सर, ये मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है सर। आपका समझ रहा, मैं समझ रहा हूँ पूरा। हाँ, लेकिन मैं तो मेरे समाज के बारे में, अछूत समाज के बारे में ही बात करता हूँ। अच्छा, अछूत समाज के भी बारे में बात कर रहा हूँ। शिवाजी के कार्यकाल में, शिवाजी के कार्यकाल में शिवाजी का पूरे राज्य का स्वयं का ऐसा कोई उदाहरण नहीं, क्योंकि शिवाजी का पूरा सैन्य जो था, पूरा जी के कार्यकाल में जो लोग थे शासन प्रशासन में, उसने सारी जातियों का सहभाग था, इसीलिए तो शिवाजी को नहीं था सर राजा कहा गया है। इसीलिए
शिवाजी को रैयत का जो राजा कहा गया, आपको एक बात बताओ, जिस शिवाजी की हम बात कर रहे हैं उस शिवाजी की पहली समाधि महात्मा फुले ने ढूंढ कर निकाली, उस शिवाजी के ऊपर पहला पोवाड़ा लिखा महात्मा फुले जी ने लिखा, ऐसे ही नहीं लिखा मेरे भाइयों। हमें सामने शिवाजी को अलग तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाता है, हमें उस शिवाजी को जानना चाहिए जो हमारे महात्मा फुले ने लिखा, सावित्री बाई ने लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिवाजी के ऊपर बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन महात्मा फुले जी ने शिवाजी के ऊपर बहुत कुछ, शिव जयंती की शुरुआत महात्मा जी फुले ने की, यह बात आपके जानकारी के लिए मुझे कहने के लिए आज विषय निकला है देश भर में, इसीलिए मैंने कई बातें जान भले ही वो छोटा था उनका ये कुग अशोका जैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर प्रयास किया है और बहुत अच्छा प्रयास, जितना हो सकता था उतना उस काल में भी 450 साल पहले प्रयास किया है, 400-425 साल पहले, भले इतना ना हो सका हो। ओके ओके जी, थैंक यू सर। और कोई हमारे सहकारी अगर क्वेश्चन रखना चाहते हैं? आप अनम्यूट करें या रेज हैंड करें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो। मारुति कुंभार जी, जी सर आप अनम्यूट करें। हेलो जी सर, मेरा आवाज सुनाई देता है? यस यस सर, यस यस, बोलिए सर। शेड्यूल क्लास में और शेड्यूल ट्राइब में, हेलो, हाँ बोला सर। ये जो जातियां है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये कब बनाया अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा साहब ने उसके ऊपर किताब लिखा है, अस्पृश्य कौन होते। यस, सवाल ये है कि जब ही बने अस्पृश्यता तभी बन गई होगी, वो बात अलग है, लेकिन शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब में विधवा विवाह और सती प्रथा थी क्या नहीं थी? हाँ बराबर, बहुत बढ़िया सवाल, यही सवाल कंथारिया ने थोड़ा सा वो रह गया, मैंने पहले मेरे वक्तव्य में कहा जो लोग इनके नजदीक थे उनमें प्रथाएं ज्यादा थी और जो लोग दूर थे उनमें प्रथाएं कम थी, खास करके हमारे जो आज हम जिसे बहुजन कहते हैं इनमें ये प्रथा बहुत कम थी, आदिवासी में तो बिल्कुल लगभग नहीं थी सती प्रथा, सती प्रथा लगभग नहीं थी। हाँ लेकिन बाल विवाह का प्रचलन ज्यादा था, लगभग सभी जातियों में था। इसी तरह जो केशोपन की जो प्रथा थी वो भी हमारे अपने लोगों में कहीं कहीं होगी, मतलब छुटपुट होगी, अन्यथा इन समाजों ने केशोपन और सती यह प्रथाएं खास करके ट्राइब जिसे हम कहते हैं शेड्यूल कहते हैं शूद्रों में नहीं थी, यह केवल उच्च जातियों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पवित्र बताने के लिए, शुद्धता बताने के लिए और अपने जातियों को सीमित करने के लिए उन्होंने यह प्रथाएं अपने ऊपर ज्यादातर लाद ली थी, और इसी का नतीजा आप देखा, आपने देखा होगा कि सावित्री माई ने जो विधवा वो के लिए ये खोला था हॉस्टेल और उसके प्रसूति के लिए है, यह है इसमें ज्यादातर के उच्च जाति की ही महिला थी, हमारे अपनों में प्रथा लगभग नहीं थी, लेकिन बाल विवाह की जरूरत थी। जी थैंक यू सर। सत्व जी क्वेश्चन रखना चाहते हैं, सर आप अनम्यूट करें। शायद नेट की वजह से नहीं हो पा रहा। हमारे और कोई सहकारी अगर क्वेश्चन रखना चाहते हैं? हेलो हेलो
जी सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। मैं यही पूछना चाह रहा था, बीच में एक जन क्वेश्चन किया था कि क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को शिवाजी के काल में, क्या जो बर्ताव पेशवे के काल में था वही था या नहीं? बिल्कुल नहीं, पेशवा का कार्यकाल अलग है और शिवाजी के कार्यकाल में पूर्णतः अलग है। यानी पेशवा के कार्यकाल में पेशवा ने जो अन्याय किए, यह अन्याय शिवाजी के कार्यकाल में इन पर नहीं हुए, बल्कि अनटचेबिलिटी नहीं थी, वो तो थी, वो थी ना, उसको कौन नकार रहा है, वो थी ना, वो थी, तभी भी थी, वो थी। क्या जाति प्रथा नहीं थी? जाति प्रथा थी ना, कौन किसने कहा नहीं है करके। जाति प्रथा शिवाजी के अष्ट प्रधान मंडल में अजूतों को या पिछड़ी जातियों में लिया गया था? अष्ट प्रधान मंडल में भले ही ना हो, लेकिन उन्होंने जो बाकी दूसरी जगह थी वहां पर इन लोगों को भटकी जमातों के बारे में ऐसा कुछ भी हिस्टोरिकल उनके विकास के बारे में कोई भूमिका हमको नजर नहीं आती। अगर कोई ऐसा किताब शायद फिर पढ़ा है उसमें भी कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो गुप्तहेर था, उनका जो सैन्य था, मैं ये चाहूंगा शिवाजी कास्ट इन इंडिया के अंदर अनरेवेलेंट एग्जांपल होगा। कास्ट इन इंडिया के, कास्ट इन इंडिया में मैंने कहा ना कि बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया में शिवाजी के ऊपर नहीं लिखा है। नहीं, हेलो, मेरा क्वेश्चन रिपीट कर, जाति निर्मूलन के अंदर शिवाजी का जो उदाहरण है, एग्जांपल है, अनरिलेवेंट एग्जांपल होगा। शिवाजी खुद उसका विक्टिम है, जाति का। विक्टिम का रहना अलग बात है, मगर शिवाजी ने इन लोगों के बारे में कोई ऐसा काम नहीं किया होगा कि मुझे काम किया है तो उसका एग्जांपल दीजिए, जो कि फुले जी ने काम किया, जो बाबा साहब ने काम किया जाति निर्मूलन के लिए, उस तरह से इन लोग, इन शिवाजी ने अगर काम किया तो उसका मुझे एग्जांपल आना चाहिए हमारे। शिवाजी ने उसका उदाहरण हो सकता, शिवाजी ने उस तरह का काम भले ही ना किया हो, लेकिन शिवाजी के कार्यकाल में इनके ऊपर जिस तरह से पेशवा के कार्यकाल में जो अन्याय हुआ, वो हो अन्याय शिवाजी के कार्यकाल में किसी भी रयत के ऊपर नहीं हुआ है, यही भी उतनी सच्चाई है। क्योंकि मतलब जो अन्याय पेशवाई में हुए उस तरह के अन्याय नहीं हुए हैं, यह बात भी हमें वहां पर ध्यान में रखना जरूरी है। कास्ट निर्मूलन के अंदर क्या योगदान था? मैं वही बता, कास्ट निर्मूलन की आप जो बातें कर रहे हैं, मैं उस वक्त का जो उनके वहां उस वक्त की जो प्रथाएं थी कि जो खुद राजाओं को ही विक्टिम बनाती थी, राजा को ही विक्टिम बनाया गया, इससे आपको ये भी बात थोड़ा पता चलेगा कि क्या स्थिति थी। क्योंकि शाहजी राजे अलग थे, उनकी जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों को ध्यान में लेना जरूरी है कि शिवाजी का राज्य कितना फैला था, कितने परिघ में था, यह उस काल के हिसाब से आपको उसको देखना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि टिपिकली जो महात्मा फुले के कार्यकाल में कार्य हुआ वो शिवाजी के कार्यकाल में हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रेरणाएं हैं उस काल में, उनका जो योगदान है इन लोगों को साथ में लेकर, क्योंकि किले के पहरेदार से लेकर, गुप्तहेर से लेकर, जो अलग अलग मावड़ा जिसे हम कहते हैं, उसमें सभी जातियों के लोग थे, जिसकी आप डीटीएनटी की बात कर रहे थे उसमें डीटीएनटी भी थे, आप पढ़ोगे तो आपको, और आप इसीलिए मैंने टिपिकली गोविंद पानसरे के बुक का जो छोटी सी बुक है, बहुत लंबी बड़ी बुक नहीं है, उसको आप पढ़ोगे तो और भी अच्छा रहेगा, इतना मैं कहना। धन्यवाद सर। सत्व जी आप अपना परिचय भी दीजिए। सत्व जी बहुत सीनियर साथी है नांदेड़ से। ओके सर, वेलकम जी। अगर हमारे और कोई सहकारी क्वेश्चन रखना चाहते हैं,
आप रेज हैंड करें तो मुझे पता चल सकता है। प्रियंका जी, एक मीटिंग है अपनी दूसरी 8:30 बजे और। जी सर, तो हम आज के मीटिंग का कंक्लूजन के लिए मैं धीमंत श्याम सुंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप मीटिंग का कंक्लूजन करें। धीमंत श्याम सुंदर जी, जी सर वेलकम। थैंक यू मैडम प्रक्रिया। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। जय भीम सर। दोस्तों, आज का जो एलोबरेशन था हमारे अमर सिंह चौहान जी का, एकदम बेस्ट रिप्रेजेंटेशन था। उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि कास्ट को किसने बनाया, कैसे बनाया, किन कारणों से कास्ट पैदा हुई, और मेरे ख्याल से समस्त सहकारियों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिवाय ब्राह्मण के इस जाति को बनाने वाला और कोई नहीं था, और अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए उसने इस कास्ट को बनाया, ताकि वो अपने को, क्योंकि वो संख्या में कम था, और अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए उसने हमारे लोगों में जाति का विभेद इतना गहरा कर दिया कि 6,743 जातियों का बार बार जो उदाहरण दिया जाता है, इतनी जातियों में बांट करके उसने हम लोगों को भिन्न भिन्न कर दिया। अगर शायद वो हमें टुकड़ों टुकड़ों में न करता तो उसका असली तत्व जिंदा नहीं रहता, वो आज की डेट में इस भारत वर्ष में जिंदा नहीं रहता, और जिस ताकत के आज वो साथ में जिंदा है वो बिल्कुल नहीं होता। उसके पीछे सिर्फ यही कारण रहा कि उसने हमारी जातियों को बनाया, और जातियों में से उपजातियां, उपजातियों में से उपजातियां बना बना के, और उन उपजातियों में जो मतांतर करके एक दूसरे के बीच में डेड लाइन खींच करके उसने जो भ्रांतियां पैदा की, उससे एक दूसरे को वो लोग लड़ाते रहे और आपस में उनको इतना खंड खंड कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि उनकी सत्ता आज तक कायम है। अब इन चीजों को हमारे समस्त सहकारियों को समझना पड़ेगा, हमें अपने समाज में ये जागृति फैलानी पड़ेगी उनके इस विचारधारा को, जिसके कारण वो हमें टुकड़े टुकड़े करके, मतलब खुद अच्छा शासन चलाने में कामयाब हुए हैं, उसकी इस गुणता को समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ हमें कार्य करना पड़ेगा, या उसकी उस गुरु मंत्र को तोड़ने का कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहीं सफल हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को, आज उपस्थित होने वाले सभी सहकारियों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि आगे वाले आने वाली मीटिंगों में वो लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। जय भीम, जय महाराज। थैंक यू सर। हमारे सभी सहकारियों को जय भीम। और कल का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है व्हाट इज द पर्पस फॉर क्रिएशन ऑफ द कास्ट, और इसके ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत श्याम सुंदर जी। तो कल फिर से हम लोग 7 बजे मिलते हैं। जय भीम, धन्यवाद। थैंक यू।